डेरा सच्चा सौदा चीफ गुरमीत राम रहीम कितना शातिर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने पुलिस के हिरासत से फरार होने के लिए फुल प्रूफ प्लान बना रखा था। हालांकि समय पर पुलिस की मुश्तैदी ने उसके प्लान पर पानी फेर दिया। पुलिस को राम रहीम के प्लान के बारे में पुख्ता सबूत मिले हैं। जी हाँ, राम रहीम के भागने और उत्पात मचाने के लिए कोड़ के तौर लाल बैग का इस्तेमाल किया। जैसे ही उसे 20 साल की सजा हुई और वो बाहर निकला, उसने हनीप्रीत से लाल बैग मांगा। लाल बैग मांगने का मतलब यही था कि वह दोषी करार कर दिया गया है और यह संदेश उसके समर्थकों और सुरक्षा कर्मियों तक पहुंचा दिया जाए। समर्थक हिंसा पर उतारू हो जाएं और हंगामा करें ताकि वह इसका लाभ लेकर फरार होने में कामयाब हो जाए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए आईजी के राव ने बताया कि जैसे ही राम रहीम को पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट ने दोषी ठहराया, उसने लाल रंग का बैग मांगा। यह बैग सिरसा से लाया गया था। राव ने बताया कि जैसे ही बैग गाड़ी से बाहर निकाला गया तो 3 किलोमीटर दूर से आंसू गैस के गोले छूटने की आवाज आने लगी। आईजीओ ने दावा किया, तभी हमें बात समझ आ गई कि इस इशारे के पीछे कोई मतलब है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का संदेह उस वक्त और गहरा हो गया जब गुरमीत और उसकी गोद ली गई बेटी हनीप्रीत पंचकुला अदालत परिसर के गलियारे में काफी लंबे समय तक खड़े रहे, जबकि उन्हें वहां खड़ा नहीं होना था। असल में वे लोग गाड़ी में बैठने से पहले थोड़ा समय चाहते थे, जिससे उनके लोगों को यह संदेश फैला सके कि वो लोग कोर्ट परिसर से जा रहे हैं। उनसे यह कहा गया कि अब वे वहां खड़े नहीं रहे, भीड़ कभी भी कोर्ट परिसर तक पहुंच सकती है।